अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार शाम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कसौता, अमनेड, बजूरी व हमीरपुर टाउन हॉल में वोट की अपील करते हुए कहा कि पूर्व हमने निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को पूरा मान सम्मान दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली रैली हमीरपुर में की गई। उनके घर सुबह का नाश्ता किया, उनके नाम किए हमीरपुर बस स्टैंड का निर्माण का कार्य शुरू करवाया। बावजूद इसके आशीष शर्मा बिक गए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर के तीन विधायकों ने हमीरपुर जिला के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार को हटाने का षड्यंत्र भाजपा के साथ मिलकर रचा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर में हराने की साजिश रची थी। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, कैप्टन रणजीत सिंह, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, राजीव राणा इत्यादि मौजूद रहे। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। के छह विधायकों ने बगावत की, उनकी बात समझ में आती है क्योंकि कुछ लोग उसमें से सत्ता की कुछ भागीदारी या मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए मेरे से बगावत कर रहे हैं। पर मैं उससे भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस पार्टी के चुनाव जिन पर आप जीत कर आए हैं, उस पार्टी के लिए उस पार्टी की पीठ में छुरा भोंक गए, उनसे भी कल्पना नहीं कर सकता। और दूसरा, आपके जिले का मुख्यमंत्री बना है, ये तो पूरे जिले के साथ उन लोगों ने गद्दारी की। पर इस क्षेत्र के विधायक को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस्तीफा देते? मैंने काम नहीं किया, मान लीजिए मैं काम नहीं किया, मुझ पर आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करते थे।